जहां 18 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल 18 ट्रेन अब 13 दिन के लिए कैंसिल कर दी गई और आज से 11 दिन तक ये ट्रेन नहीं चलेंगी, जिसमें वंदे भारत, गीतांजलि एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा एक्सप्रेस रद्द की गई है। राजनांदगांव और कलमना रेलखंड में काम चल रहा है, ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में 18 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। त्योहार नजदीक है, रक्षाबंधन, और ऐसे में 18 ट्रेन का कैंसिल होना उन यात्रियों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो भाई अपनी बहनों के पास जा रहे हैं या जो बहनें भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं, उनके लिए समस्या हो सकती है। इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते 18 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। और हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, इस त्योहारी मौसम में ट्रेन का कैंसिल होना यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकता है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो यात्रियों की मुसीबत है वो बढ़ती जा रही। खास करके राखी का पर्व है, ऐसे में बहुत सारी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को दीगर अलग अलग राज्यों में रक्षाबंधन के लिए जाती हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द किया जाना कहीं ना कहीं उनके लिए दोगुनी मुसीबत खड़ी कर दी है। चूँकि ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कई बहनें ऐसी थी जो पहले से टिकट कराकर बुक कराकर रखी हुई थी, पहले उनको रद्द करना पड़ रहा है, आप दूसरी व्यवस्था के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बता दूं कि रेलवे का साफ तौर पे ये कहना है कि अधोसंरचना का जो लगातार काम किया जा रहा है उसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आप सोचिए कि सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको लगभग 11 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं 18 से अधिक ट्रेनें, उनको रद्द किया गया। ये वो ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ट्रेन मानी जाती है। खासतौर पर जो राजनांदगांव और कलमना का जो तीसरी रेल लाइन का जो काम चल रहा है उसको इंटरलॉकिंग, प्री इंटरलॉकिंग का काम किया जाना बताया जा रहा है रेलवे के द्वारा, यही वजह है कि इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि रेलवे प्रशासन के इस निर्देश के बाद जिस तरीके से ट्रेनों को रद्द किया गया उससे कहीं ना कहीं यात्रियों में काफी निराशा है, क्योंकि वो पहले से ही अपना प्लानिंग करके रखे होते हैं कि उनको दीगर राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाना होता है, लेकिन ट्रेनों को रद्द किए जाने से उनकी जो मुसीबत है वो बढ़ गई है। फिलहाल देखना होगा कि रेलवे तरीके से लगातार ये दावा कर रही है कि अधोसंरचना के काम किए जाने के बाद, तीसरी रेल लाइन का काम किए जाने के बाद जो ट्रेनें लेट लतीफी होती हैं उनको गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाया जा सकेगा, ऐसा उनका दावा है। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जरूर है कि यात्रियों की जो मुसीबत है आशीष जी वो बढ़ गई है। जी स्वाभाविक है, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, डिटेल्स आगे लेते रहेंगे आपसे। और कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के मामले बढ़ने पर मानवाधिकार आयोग ने आंकड़ा जारी किया, जिसमें 119,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है और इन कुत्तों के काटे जाने से लोगों को कई तरह की गंभीर परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और अभी जो स्थिति है उसमें बताया जा रहा है कि 119,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है और गलियों में निराश्रित घूम रहे ये कुत्ते खतरनाक परेशानी बन चुके हैं। और ऐसे में मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया ये आंकड़ा डरा देने वाला है और इन आंकड़ों में इजाफा न हो इसके लिए प्रयास करने होंगे शासनिक स्तर पर। और आवारा कुत्तों का आतंक लगातार व्याप्त है और लगातार डॉग बाइट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 119,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कुत्तों के हमले हो रहे हैं, तो सावधान रहें और गली में आते जाते इस बात का भी ख्याल रखें, आसपास कोई अगर इस तरह का निराश्रित आवारा कुत्ता है तो उससे छेड़खानी ना करें और सावधान रहें, बचाव करें। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इतना भारी भरकम जो आंकड़ा लोगों को डॉग बाइट का मामला सामने आया उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा ये भी देखने का विषय। और खबर भोपाल से, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर, नरसिंहपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उमरिया, कटनी में भारी बारिश का अलर्ट है। शिवपुर, दतिया, शिवपुरी में भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अशोकनगर, खरगोन, बैतूल में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश होगी, जिसमें उमरिया कटनी में भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। श्योपुर दतिया शिवपुरी में भी बारिश होगी। हालांकि बीते दो दिन से अपेक्षाकृत जो मानसून है वो थोड़ा स्लो हुआ था, थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अभी दो दिन से थोड़ा ब्रेक जरूर लगा हुआ था मॉनसून की एक्टिविटीज पर, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह में जबरदस्त बारिश हुई है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मॉनसूनी जो सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, कम दबाव के क्षेत्र हैं, वो कमजोर जरूर पड़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ हद तक एक्टिव हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी जो बारिश की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी, कहीं पर बूंदाबांदी होने के आसार, गरज चमक के जो आसार है वो बताए जा रहे हैं। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं वहां पर तेज बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया गया है। नरसिंहपुर जबलपुर वाला जो पूरा बेल्ट इलाका है वहां पर आज अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। उसके तरह अगर आप भोपाल रायसेन सीहोर वाले बेल्ट को अगर देखते हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल पार्ट है, वहां पर उतनी ज्यादा प्रभावी रूप से मौसमी जो सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, मानसूनी सिस्टम एक्टिव नहीं है, इसलिए यहां पर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक 65% के करीब जो बारिश का कोटा है वो पूरा हो चुका है। आने वाले 1.5 से 2 माह जो और प्रभावी रूप से मानसून का सीजन चलना है तो 100% जो एवरेज रेनफॉल है वो मध्य प्रदेश में दर्ज हो जाएगी, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे भी होंगे जहां पर एवरेज से ज्यादा रेनफॉल होगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, चाहे आप बरगी बांध की बात करें, तवा की बात करें, ओमकारेश्वर डैम की बात करें, इंदिरा सागर की बात करें, तो ये लबालब जो है वो भर चुके हैं, कई दफा गेट भी खुल चुके हैं और अभी भी कुछ बांधों के गेट खुले हुए हैं। जो एक्सेस वाटर है उसकी निकासी की जा रही है ताकि वाटर लेवल को मेंटेन रखा जा सके। जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है, निचली बस्तियों को खाली करा दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्सेस जो है वो लगातार तैनात हैं, लगातार वो भी एक्टिव मोड पे हैं। अगर कहीं भी कोई जरूरत होती है तो तुरंत मदद जो पहुंचाने का काम किया जाएगा। भोपाल की अगर आप बात करें तो केरवा डैम हो, कलियासोत हो, भदभदा हो, इनके गेट खोल दिए गए हैं। बड़ा तालाब जो है वो फुल टैंक लेवल तक पहुंच चुका है और वहां से पानी को भी बाहर निकाल दिया गया है ताकि बड़ा तालाब छलके ना और जो वाटर लेवल है वो लगातार मेंटेन बना रहे। तो जरूरत की बारिश हो चुकी है और अब जो रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है जमीन के अंदर जा सकेगा, जिससे आने वाले समय में पानी की जो आपूर्ति है वो लगातार बिना किसी बाधा के बनी रहेगी और मध्य प्रदेश में सरप्लस वाटर स्टोरेज जो है वो बना रहेगा। तो मानसून सीजन अच्छा रहा, देर से रफ्तार पकड़ी मानसून ने, लेकिन बीते 1-2 हफ्ते में बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसका ये नतीजा है कि अब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। और 3-4 दिन बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया सरगुजा, जशपुर, कोरिया और बलरामपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। और छत्तीसगढ़ में जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर जगदलपुर से दिखाएंगे और यहां बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ, शहर के निचले इलाकों में, घरों में, मोहल्लों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भर गया। दूसरी तस्वीर मुंगेली की, जहां झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और उधर दंतेवाड़ा में भी कई जगह बारिश को लेकर पानी भरा हुआ, जिससे लोग परेशान है। कोंडा गांव में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों के घरों का हाल बेहाल है और घरों से निकलना मुहाल। और मुरैना से हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया, जहां ये बर्थडे पार्टी में असलाहों का इस्तेमाल किया जा रहा था हर्ष फायरिंग के लिए। सबलगढ़ पुलिस का कलंगी रिसोर्ट पर छापा, 2 पिस्तल, 18 कारतूस बरामद किए गए मौके से और 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। आदतन अपराधी कुक्कू जादौन की बर्थडे पार्टी थी और रिसोर्ट में 6
से ज्यादा बार डांसर्स भी मौजूद थी। रिसॉर्ट्स के सीसीटीवी फुटेज पुलिस कंगाल रही है। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, ये बर्थडे पार्टी कब की है और कौन कौन यहाँ मौजूद थे और क्या कुछ हुआ घटनाक्रम? बिल्कुल, देखिए ये बर्थडे पार्टी कुप्पू जादौन यानी कि जो सबलगढ़ का कुख्यात और जो आदतन अपराधी है उसकी बर्थडे पार्टी थी और कलंगी रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। इस दौरान उसके साथी थे यानी कि जो अन्य भी अपराधी थे वो सब जुटे थे और कई लगभग बताया जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक लोग इसमें आए हुए थे और यहाँ इन्होंने कुछ बालाएं भी ग्वालियर और शिवपुरी से बुलाई थी, उसके दौरान ही इनके द्वारा हर फायरिंग की जा रही थी। इसे लेकर के जो आस पड़ोस यानी कि जो रिजोर्ट के पास में लोग थे उन्होंने कई बार इनसे मना भी किया क्योंकि आस पास में दहशत का माहौल बना हुआ था। पिछले आधा घंटे से ये एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे, तो इसी बात को लेकर के जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने दो पिस्टल यानी कि एक तो लाइसेंसी पिस्टल थी लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के पास थी जो जिसके नाम से लाइसेंस नहीं था, और दूसरी जो पिस्टल पाई गई है वो अवैध पिस्टल पाई गई है। तो दो पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और 4 जिंदा यानी कि खाली खोखे पाए गए हैं। इन सभी को लेकर के जो 4 अपराधी भी पुलिस ने पकड़े हैं, इन अपराधियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इस तरीके की घटना वो क्यों अंजाम दे रहे थे, क्योंकि हर फायरिंग को लेकर के हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बाद भी ये हर फायरिंग कर रहे थे। तो इसी सब को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। पहले जो 4 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी जो रिजोर्ट था उसके भी खंगाल रही है पुलिस। आखिर सीसीटीवी में क्या निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और जशपुर में शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था लुंगी बनियान पहने हुए और शराबी शिक्षक रोमानुस कुजूर निलंबित किया गया है। इसका नाम है रोमानुस कुजूर। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे निलंबित कर दिया है और ये हरसा बहार विकास खंड का पूरा मामला है। दिन तो अच्छा लगेगा, कल मुझे 15 बार फोन कर रहे हैं आपको, बीओ उठा नहीं रहे हैं, मेरे को बुलाए वहां पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए एक ठू कागज में, तो क्या अच्छा लगता है वो सब? आप हेडमास्टर हैं, आपको जाना चाहिए साइन करने के लिए, पी के खाली घूमते रहेंगे, धंधका कर रहे हैं, धंधकाएंगे भी, मात के आओगे तो ऐसे में अच्छा लगता है ये सब? और दीपक सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, ये क्या कुछ कार्रवाई की गई है स्कूल टीचर के खिलाफ जो शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा है? मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला फरसा बहार विकासखंड के खौसा कानी प्राथमिक शाला का है और इस स्कूल के जो प्रधान पाठक हैं रोमानुस कुजूर, वो अक्सर जो है स्कूल में शराब के नशे में आते थे और जिसकी वजह से शिक्षकी कार्य जो है वो प्रभावित होता था। और पिछले 15 दिनों से ये शिक्षक जो है स्कूल से नदारद थे और कल जो है ये शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और हद तो तब हो गई जब ये शिक्षक लुंगी और बनियान में स्कूल पहुंचे तो जो इनके साथी जो शिक्षक हैं उन्होंने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और इस घटना के बाद जो है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने जांच गठित की, जांच टीम ने जो है इस मामले की जांच की और बीओ के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जो प्रधान पाठक है शराबी प्रधान पाठक रोमानुस कुजूर उनको निलंबित कर दिया है और इनके खिलाफ अब विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और सागर में 9 बच्चों की दीवार गिरने की वजह से हुई दर्दनाक मौत के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी स्कूल्स को अपनी बिल्डिंग के बेहतर रखरखाव और जर्जर हो चुकी बिल्डिंग खराब होने की स्थिति में वहां से कक्षाओं को शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। पुराना भोपाल स्थित जहांगीरिया स्कूल की इमारत पुरानी होने के कारण पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। द्वारा जो है नगर निगम को भी पत्र दिया गया है, ओपीडब्ल्यूडी को पत्र दिया गया है, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी यहाँ निरीक्षण किया था, उनको भी हमने ये पत्र दिए हैं
कि भवन की सुरक्षा के लिए मरम्मत कार्य कराया जाए जो कि बच्चों के हित में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा सर्वे करा लिया था। अभी ज्यादा बारिश हुई तो कहीं और भी पानी की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जिन भी कच्छों में ऐसी समस्या है उन कच्छों से बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और हम उनकी मरम्मत भी करा रहे हैं। सर ऐसे कितने स्कूल चिन्हित हुए हैं? अभी हमारे लगभग 50 के अराउंड स्कूल चिन्हित हुए थे जिसमें कोई कोई कच्छ ऐसे प्रॉब्लम थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया। सागर में दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल में भी कलेक्टर और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों ने खराब और जर्जर इमारतों में स्कूल ना लगाने की हिदायत दी है और ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करने की बात कही है। भोपाल में करीब 45 ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे स्कूल हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और जहां पर लगातार हादसे होने का जो अंदेशा है वो बना रहता है। इस वक्त हम भोपाल के एक शासकीय स्कूल में मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो कितने खराब हैं। दरवाजे खिड़की उखड़ चुके हैं, जगह जगह सीढ़न लगी हुई है, कई जगहों पर आपको दरारें और जो प्लास्टर है वो निकला हुआ उखड़ा हुआ यहां पर दिखाई देगा नजर आएगा। दीवारों पर काई जम चुकी है और दीवारों पर बहुत ज्यादा सीढ़न है। भोपाल में कुछ महीने पहले एक स्कूल का छप्पर गिरने का भी जो मामला है वो सामने आ चुका है और बारिश के मौसम में ऐसी जो इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक होती हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी। शासन प्रशासन की हिदायत के बाद अब इन स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू होगा और जब तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी जर्जर इमारतों में ना बिठाकर कहीं और शिफ्ट करने की जो व्यवस्था है उसको किए जाने की बात की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और बैतूल का जिला अस्पताल जल्द ही निजी हाथों में जाने वाला है जिसका कड़ा विरोध शुरू हो गया। सरकार बैतूल जिला अस्पताल को पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करेगी जिसमें सरकारी जिला अस्पताल के प्रबंधन से लेकर कुल उपलब्ध बिस्तर का 25% कोटा निजी हाथों में होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले का सरकारी डॉक्टर्स कड़ा विरोध कर रहे हैं और इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की शुरुआत के अलावा भविष्य के लिए खतरा बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है मध्य प्रदेश सरकार व्यापम के घोटालेबाजों को बैतूल जिला अस्पताल सौंप रही है। बेड अभी संचालित किए जा रहे हैं जिला अस्पताल में, जो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने जो प्रस्तावित बेड है वो भी 500 रखे हैं। तो अगर आप पहले ही उसमें स्टॉक में ये देखेंगे कि 500 बेड जो अभी चल रहे हैं वही 500 बेड उसके बाद भी चलेंगे, तो एक तो बेडों की संख्या में कोई उसका फर्क नहीं आएगा, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्री चलने वाले बेड हैं ये एक पूरी तरीके से एक बड़ा स्कैम है और निजीकरण को बढ़ावा देने और निजीकरण के हाथ में एक सरकारी हॉस्पिटल को सौंपने की तैयारी है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और जिस तरीके से एक पूरा बना हुआ हॉस्पिटल है 500 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमेशा डॉक्टर की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। देखिए वो पॉलिसी मैटर है, उस पर मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है, उस पर पॉलिसी तय करेगी, लेकिन जब तक अस्पताल है उसकी व्यवस्था बनाना हमारा काम है। बैतूल के जिला अस्पताल का आधुनिकीकरण करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, जिसका नतीजा ये है कि आज बैतूल के जिला अस्पताल में हर वो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिसकी मरीजों को ज़रूरत होती है। रोज़ाना बैतूल के जिला अस्पताल में 500 से अधिक जो मरीज़ हैं वो यहाँ OPD में आते हैं, काफ़ी सारे मरीज़ भर्ती होते हैं और अधिकतर उस वर्ग से होते हैं जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में कमी है तो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की। सरकार इन कमियों को दूर करने की बजाय अब बैतूल के जिला अस्पताल को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगामी दिनों में बैतूल के जिला अस्पताल की 25% जो हिस्सेदारी है, जो व्यवस्थाएँ हैं वो निजी हाथों में होंगी। सरकारी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का ये कहना है कि इस तरह से सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम का निजीकरण करने जा रही है जिसका आने वाले समय में काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा और बैतूल जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस भी इसे एक मुद्दा बना रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस विरोध के बाद क्या सरकार अपना फैसला बदलती है या बैतूल का जिला अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम निजी हाथों में सौंपा जाता है।
आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक्स में दो कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके स्वप्निल को साले को सम्मानित किया। और इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि मनु भाकर की उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। She became the first Indian to win two medals in a single Olympics. Manu, every Indian feels inspired and every girl in India feels empowered by your achievements. ओलंपिक्स में एक और पदक पक्का हो गया है और ऐसा हिंदुस्तान की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट ने तय किया है। दरअसल 50 किलोग्राम भार वर्ग में महिला कुश्ती में ओलंपिक्स में फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। विनेश ने क्यूबा की यूसनेलियस गुजमेन लोपेज को हराया और यूसनेलियस गुजमेन लोपेज को 5-0 से उन्होंने मात दी और सोना जीतने की ओर एक और दमदार कदम उन्हें बढ़ा दिया है। फाइनल्स में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा इन हिल्डेब्रांड से होगा और जो एक बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जबकि 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का पदक जीत चुकी हैं और विनेश फोगाट की दावेदारी प्रबल है, हौसले बुलंद। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के घर पर 5 से 10 सदस्य सीबीआई की टीम पहुंची और यदुनंदन नगर में पुराने निवास पर जांच जारी है। आपको बता दें कि सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में एफआईआर दर्ज की जांच, राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का भी मामले में था नाम। और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। उमेश, आखिर क्या कुछ जांच पड़ताल चल रही है और क्या तथ्य सामने आए अब तक? उमेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे, कांग्रेस नेता के घर सीबीआई की टीम पहुंची, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? उमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया है उमेश से, एक बार फिर से प्रयास करेंगे बात करने का। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बिलासपुर से जो मामला सामने आया सीबीआई के छापे का, दरअसल कांग्रेस नेता के घर पर छापा पड़ा है और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर 5 से 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम पहुंची थी और यदुनंदन नगर में पुराने निवास पर जांच की जा रही। सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा में एफआईआर हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर क्या है डिटेल्स जानेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्या इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल्स मिल पाए इस छापेमारी के बारे में? देखिए, आज सुबह तड़के 5 सदस्यीय सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है। कांग्रेस नेता है राजेंद्र शुक्ला जिनके घर ये टीम पहुंची हुई है, क्योंकि कांग्रेस नेता के बेटे स्वर्णिम शुक्ला जो है वो डिप्टी कलेक्टर बने और ये उसी समय बने हैं जब राज्य सरकार में पीएससी घोटाले की का मामला सामने आया था और ये जांच जो है सीबीआई के हाथों में है, क्योंकि सीबीआई अब जांच इस पूरे मामले की कर रही है। इसी कड़ी में पीएससी में जो नेता अफसरों के रिश्तेदार हैं उनकी जो भर्ती हुई है उसको लेकर जांच शुरू की गई है। इसी कड़ी में राजेंद्र शुक्ला के निवास पर भी सीबीआई का छापा आज सुबह पहुंचा हुआ है और 5 सदस्यीय ये टीम जो है ये अलग अलग जो इनके निवास है, एक यदुनंदन नगर स्थित जो निवास है वहां पर भी पहुंची है और एक मुख्य मार्ग में इनका निवास है वहां पर पहुंचकर जो टीम है वो जांच कर रही है। क्योंकि पीएससी फर्जीवाड़े में दर्ज जो एफआईआर की जांच की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो भी इसमें शामिल है कांग्रेस नेता हो या फिर जिनके भी जो परिवार के जो सदस्य है इस पीएससी में ज्वाइन किए हैं और जिनकी नौकरी लगी है। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यार रुक रहे।